तो यहाँ पे तन्नु ने तो पूरा की पूरा अपना विंटर कंबल पहन लिया है और है इसका वो कहाँ गया भाई क्या? वो कूटने वाला पता नहीं, इलायची कूटने वाला वो डोरी छोटा सा इसी से ही हो जाएगा। तो, नहीं है ना, ये अभी तो पानी वाला है। तो हम बना रहे पुलाव जो कि लहसुन अदरक कूट रही है और यहाँ पे मैंने चावल भिगो के रख दिए थे, मटर हमारे ये रहे, टमाटर ये रहे जो छील के रखे थे, मटर हमने ऑलरेडी पहले ही छील के रखे हुए थे। तो अभी ये बिल्कुल सफल के मतलब यार ये तो बिल्कुल सच में अच्छा लगता है इसका, ये तो सही है। और ये तो मेरे को लगता है एक सीटी में बन जाएगी और चावल भी भिगो रखे हैं तो जल्दी ही बन के निकल आएगा हमारे पुलाव। डोली तो मैंने लास्ट जब बनाया था सरसों के दिन में बनाया था। हाँ उसी में बनाते हो ठीक है ठीक है। सरसों के दिन में हरी मिर्च भी, सरसों के दिन में मैंने कहा था देर हो जाएगी, आया याद मुझे भी देखना था यार, जीजू का व्लॉग देख रहे हैं वो, देखती हूँ। चलिए जी, तो आज ना यहाँ पे हमने बनाया हरे प्याज का पुलाव, मतलब नॉर्मल प्याज डालते वैसे तो, बट आज हम हरे प्याज डाल रहे हैं और अभी देखते हैं हरे प्याज का क्या करते हैं। हरे प्याज तो गुम भी हो गए इस मूवी में, सारे हरे ही थे ना, मतलब जो काटे थे सारे हरे थे, एक हाँ तीन जो थे ना वो हरे थे, एक बड़ा प्याज था नॉर्मल और बाकी ये प्याज की डंडियां और हरे प्याज, कच्चे कच्चे में टमाटर थोड़े से। तो यहाँ पर पुलाव हो चुका है बन के रेडी और इस तरह से, और यहाँ पे डाल दिया है मैंने, मेरे को हिचकी लगी डोली आ जा बहन, वो थोड़ी सी मिर्च थी ना इसलिए लगी तुझे, नहीं मैंने खाई नहीं। अच्छा खाई मैंने, थक गया मैं टेस्ट करके देख रही थी। सो यहाँ पे मेरा पुलाव हो चुका है बनके रेडी, हटाओ आगे से हाथ अपना, इतना धुआं, अरे यार क्या हुआ? अच्छा वो बहुत धुआं दिख रहा था इसमें। सो कुछ इस तरह से है सारा बना, टमाटर गिर दिया था बाहर तूने पहले ही, कहाँ पे इसमें The next day. नहीं आ जा कोई नहीं, मैं डाल दूंगी ना अभी। तो यहाँ पे हमने लिया है थोड़ा बहुत सामान कंचन के लिए, तो अभी हम दिखाते हैं कि हमने क्या क्या लिया है। कंचन देखो हमने आपके लिए कुछ लिया, देख बताओ क्या होगा। ओह माय गॉड, इतना कुछ खाने का ब्रेड मेन चीज तो निकाल दो, वो खाती है, ऐड में निकालूंगी ना। हमने लिया ये केक रस नहीं, वो अभी नहीं, जो खिलाया था वो तो मिला ही नहीं है, थोड़ा दूसरा है शायद, ये और अच्छा ये है। लग रहा और बढ़िया है। हाँ ये और अच्छा है, चॉकलेट वाला है। नहीं नहीं चॉकलेट नहीं लिया मैंने, दो ऑप्शन थे, हमने लिया ये चॉकलेट। सरप्राइज गाइस, सरप्राइज था, सबसे नीचे था सबसे ज्यादा। चॉकलेट वाला नहीं है, खा सकते हो, आजकल बड़ा मन करता रहता है खाने का। जब मैं अपने ससुराल जाती हूँ तब वहाँ पे मेरी सासू मम जो है वो लेकर आती है मेरे लिए अजवाइन बिस्किट, यहाँ पे मैं यहाँ आती हूँ तो यहाँ पे भी तुम लोग ले आते हो। अच्छा होता है, वैसे यही बिस्किट खाया जाता है अजवाइन वाले, नमक वाले, मिट्टी नहीं खाया जाता। ये तो यार मुझे ज्यादा इसमें चेरी वेरी सब कुछ लग रहा है, ये मुझे फ्रूट केक लग रहा है, केक है ये रस, फ्रूट केक रस की है लिखा हुआ है बहन, ट्राई करके देखते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, कैसे है ये मैं खोल के देखती हूँ। अभी मिट्टा नहीं खाऊंगी, तो अभी वो बना रही है मैं तो, हाँ। चाय बीटरूट चाय चिल्ले नहीं बना रही, चिल्ले बना रही हूँ, चिल्ले बना रही है बेसन के, बना रही है बीटरूट के, बताओ कौन से वाले खाने, बेसन बेसन के खा लेना थोड़े वो। एक बिस्किट है क्या ये, मुझे लग रहा है एक कुकी लग रही है मुझे, मेरे को तो लड्डू खाने थे, ऑर्डर कर दिए कुकीज ही है ये, खा के देख ली। अच्छा ये तो केक रस के, मुझे लगा चॉकलेट खोली और उसमें से निकला ये, अच्छे नहीं, अच्छे नहीं है, सिली हुई है क्या ये, तो मुझे वो लग रहा है
डाइट वाले लग रहे हैं, वो नहीं है जो होते हैं फिर बताएगी डोली। वैसे वो टेस्टी है, जो वो बड़े बिस्किट नहीं थे हाँ। बड़े वाले अच्छा वो वैसा टेस्ट लग रहा है इसका, ठीक ठीक है खाती रहे बस तुम भी खाते रहो जी है फ्रूट केक रस। चलिए ले ये तू खा ले थोड़ा सा, इसको रख देती हूँ वापस जब खा ले। चूर बेसन चिल्ला बनाया ये चूर बेसन नहीं है, पूरा चिल्ला ही है, दिख नहीं रहा इसने मेरे साथ। पता क्या क्या पहला चिल्ला लेकर आई है मेरे लिए, और इसने ना क्या कहते हैं पूरा ना सड़ा हुआ दिया, आराम से उल्टा करके दिया ठीक है, और ऊपर से एक साइड से तो वो बिल्कुल सही था, एक साइड से मैं को इसका टेस्ट इतना अलग अलग क्यों आ रहा है। एंड तक मैं खाती गई और बाद में एंड में जाके देखा पीछे एक तरफ करके कि वो तो भाई अरे मैंने दूसरे तवे बना दी ना इसलिए उसमें थोड़ा सा वो पीछे वाला ना सड़ गया था, बट ये नहीं हुआ, ये तो ठीक है। हाँ ये सही है, सही बना है मेरे, वो पहले वाला जो होता है ना वो थोड़ा सा ऐसे ही बना था, तो ऐसा ही बनता है टेस्टी बने बाकी अच्छे बाकी बढ़िया बने। चाय कैसी को लगते हैं बढ़िया, चाय कैसी भी रूट का चिल्ला, मूंग दाल का चिल्ला, डोली मूंग दाल के भी नहीं खाए थे टाइम से, मूंग के तो हम भी नहीं खाते अब। हाँ तवे में थोड़ी सी ना वो प्रॉब्लम हो रखी है, तो मतलब खराब हो गया नॉन स्टिक जो तुम जो हमारा बस वही है ना, वैसे ही है जो इसने ऑर्डर किए थे और जो तनु ने ऑर्डर करे थे। बहुत तरह के आते हैं यार तवे, बहुत तरह के होते हैं, क्या कहते हैं चिल्लों के तवे कोई और से होते हैं, यही होते हैं चिल्ले का तो यही है जिसमें पराठे बनाते हैं, मोटे भारी वाले पे भी अच्छे बनते हैं, भारी वाला तवा होता है ना उसपे चिल्ले बढ़िया बनते हैं, भारी वाले तवे पे ही अच्छे से बनते हैं। ये हमारा पतले वाला है ना नॉन स्टिक का, तो पतला होता है ना, भारी वाला वो होता है हैवी, उसमें अच्छे बनते हैं। चाय कैसी बनी थी? अच्छी बनी, टेस्टी थी। सो गाइस चिल्ले वगैरह हमने खा लिए, तो हमने काफी ज्यादा सही अच्छे बने थे चिल्ले, और कल कंचन दीदी चले जाएगी अपने घर और फिर हमारा मन नहीं लगने वाला उनके बिना, क्योंकि जब वो आते हैं फिर उसके बाद ना जाते हैं तो फिर ना मन नहीं लगता हमारा, ये हो जाता है तन्नू और मैं फिर थोड़ा वो लोनली फील करते हैं। तो यहाँ पर एक डोले का बर्थडे गिफ्ट ले रखा था मैंने, बर्थडे गिफ्ट नहीं है वो जूती वही था ये, नहीं बर्थडे गिफ्ट मैंने इसे दिया है, ये खोलेगी इसके बर्थडे से पहले मुझे बर्थडे गिफ्ट दे दिया। सो गाइस यहाँ पे हमने मंगाई पर बहुत काम का है, बहुत काम की चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप मुझसे कमेंट्स वगैरह में ना पूछते हैं कि मतलब मैं क्या लगाती हूँ अपने फेस पे क्या लगाती हूँ, तो ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी वीडियोज में बताया है। अच्छे से अच्छा है बहुत ही ज्यादा, और एक मैं इसकी सनस्क्रीन यूज करती हूँ और इसका मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, तो आपने मैंने इसको पहले भी आपको बताया होगा कि मैं यही चीजें यूज करती हूँ, जब से मैं ये चीजें यूज करने लगी ना तब से मेरे फेस पर पिंपल्स बिल्कुल भी नहीं होते, बिल्कुल भी ना मेरे ना तन्नू के, हम में से किसी के फेस पे नहीं भी ना होते, तो काफी ज्यादा अच्छा है, सूट भी कर जाता है इनको, तो सूट कर जाता है ये क्योंकि इसमें कोई केमिकल्स वगैरह भी नहीं होते, बट अच्छा है काफी ज्यादा, तो ये वैसे भी खत्म हो रही थी मुझे लगता है। हाँ ये है इसके सनस्क्रीन पैक है, पहले भी दिखाई है, पहले भी मैंने आपको दिखाई है, इस कलर में येलो कलर में है, तो ये आप अच्छे से देख लीजिए, और कमेंट्स भी बहुत आते थे तो मैंने कहा चलो मैं फिर से दिखा देती हूँ एक बार ही, और ये वाला ये है क्लींजर, तो ये भी काफी मॉइस्चराइजर भी सेम है इसका, बड़े वाला यूज करती हूँ मैं, बट इसके साथ ये मिनी सा मुझे गिफ्ट मिला है, और इसी का ही मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ मैं फेस पे, काफी अच्छा है। पहले हम क्लीन करते हैं फेस को क्लींजर से, फिर हम वो टोनिंग कर लो, टोनर किससे, वो तो टोनर भी होता है इसका, अगर आपको टोनर चाहिए तो आप इसका ले सकते हैं, नहीं तो आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं, हम तो रोज वाटर ही यूज करते हैं, तो रोज वाटर के बाद आप मॉइस्चराइजर लगाइए, फिर उसके बाद आप सनस्क्रीन लगाइए, मॉइस्चराइजर के दो मिनट एक दो मिनट रुक के फिर आप सनस्क्रीन वगैरह लगा लो, तो काफी अच्छे है ये, काफी प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं इसके मुझे, और काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, तो मेरी स्किन को सूट कर गया है, बहुत अच्छा है। तो गाइस मिलते हैं बाद में, तो ये था मेरा आज का वीडियो, तो होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए, तो मिलती हूँ मैं आपसे कल नए ब्लॉग में, और देन मेरा बर्थडे आने वाला है बहुत ही जल्दी, सो बाय बाय गाइस, गुड नाइट।